मैं तीन चार आदमी मैंने मारेंगे और मेरी जमानत करवा ली 5 मिनट के बाद इतने आना मापना। ये छत्तर सिंह नाम का व्यक्ति था, इम्प्लाइज कॉलोनी का, सुसाइड किया है अपने पुत्र वधू और उसके मायके वालों की से तंग आकर दबाव बनाया जा रहा था। दबाव उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और ऐसे की भी सामने आई बात। अब उन्होंने बार बार मेरे पिता को पे झूठे आरोप लगा के बेइज्जत कर रहे थे। मेरे पिताजी एक बहुत सामाजिक आदमी हैं। ठीक है, बाद में कर लेंगे। चलो, आपका नाम? मेरा नाम है विजेंद्र सिंह एसआई, पुलिस स्टेशन सिटी कथन। जो घटना इसके बारे में, ये घटना ये छत्तर सिंह नाम का व्यक्ति था, इम्प्लाइज कॉलोनी का, इसने सुसाइड किया है अपने पुत्र वधू और उसके मायके वालों की से तंग आकर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर इन्होंने अपनी सुसाइड की है। सुसाइड नोट मिला है उसकी जेब से। उसमें उसकी पुत्र वधू तन्विका और उसके फादर और उसका ताऊ है। तीन लोगों के नाम लिखे गए हैं सर इसमें। एक बलबीर का भी है। चार लोग हैं सुसाइड नोट में जिनके नाम लिखे। क्या लिखा है? क्या मैंने उससे परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। कोई क्या कार्रवाई चल रही है अभी? 173 कार्रवाई की है, FIR दर्ज होगी 306 IPC की। सर कोई पुराना मामला भी बताया जा रहा है कि क्यों क्या मामला चल रहा था पुत्र वधू और उनका जो नाम आया है? हाँ, पहले भी इन्होंने रेप के एलिगेशन लगाए थे इसके ससुर पे और इसके जो लड़के पर। जी, तो वो केस चला हुआ था? केस FIR दर्ज है, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज है। अच्छा, कोई दबाव बनाया जा रहा था? कोई सूचना भी मिलेगी दबाव बनाया जा रहा था? दबाव उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और जो पैसे की भी सामने आई बात। ये अड़ेवा गांव में शादी हुई थी इसकी। कितने साल पहले हुई है? ये 2017 में हुई थी इसकी शादी। उसके बाद बीच में तलाक हो गया था, दोबारा फिर शादी 21 में फिर शादी हो गई थी। जी ठीक है सर। क्या नाम है जी आपका? रणबीर जी। क्या हुआ था आपके पास? मेरे पास 8:03 पर फोन गया पुनिया साहब का। बोला कै किले अंदर पे माजी तीन और बोला प्लाट माजी प्लाट भी मेरा नाम है। बोले तीन चार आदमी मैंने मारेंगे और मेरी जमानत करवा ली 5 मिनट के बाद इतने आने मापन होती। कितने बजे उन्होंने? 8:03 पर गया, 8:10 10 मिनट पर करा होगा, 10-12 पर अड़ा लिया मैं गोली लग। बताया गया कौन मारेंगे? नाम का तो पहला का तो बेरा है पंचायतों का, तो बोले मारेंगे। मैंने चाहे तो जमानत करवा लियो और तमें अड़ाया क्या अपना वो कर लिया। क्या संबंध है बस हूँ ऊपर पंचायत में जाओ। आपका मृतक से क्या संबंध है किसी मौत? मेरा कोई नहीं, गुआंडी है यू, मैं थुआ का हूँ यू, मित्र हैं। पंचायत में मैं गल्ला गए। क्या मामला था, क्यों सुसाइड किया गया? कोई पहले का पता हो पंचायत में क्या कुछ मामला हुआ, क्यों इन्होंने सुसाइड करने का? पहले का नू था, शुरू में बच्चों का तलाक हो गया था, लड़का ने लड़की ने कर लिए थे, 5 लाख रुपये खाता में डाल दिए थे, सारा सामान गेट दिया था। फिर उनकी पुनिया कर इसके छोरा कर रेप केस लगा दिए। फिर हमने 10-20 आदमी आना इकट्ठे होकर भाई बसाए दी उनकी मंदिर में शादी करवा दी। मंदिर में शादी करवाने के बाद तलाक के बाद मंदिर में शादी कराया कर न्यारी कोठी दवा दी, न्यारा वो कर दिया। फिर ओली फाग की प्लानिंग थी उनका परिवार की थी, किसकी थी पछलियाँ की, ओली फाग ने फिर छोरी ने पंगा कर हमने इस पर केस कर दिया। केस कर दिया, फिर DSP पे पेश हो गया हमें पंचायत। DSP साहब ने मैंने कहा भाई जो दोषी होगा वो दोषी होगा और इस बूढ़ा का तो को सिस्टम नहीं। बूढ़ा की नु कहें एक तो दलवीर चहल है, एक प्रकाश चहल है। बोले तो नंगा करके चौंक पे गेटांगे, ये बात हमने सुनी हुई भी है। अच्छा, तो इससे पहले भी कई बार दबाव के कारण उन्होंने दबाव के कारण हाँ अच्छा, इससे पहले भी चौंक पर कई बार रोका गया ऐसा कुछ? रोका नहीं, मतलब फोन ना पर और जुगर इसका ऑफिस में भी जाके धमकी दी। ठीक है जी। मैं योगेश पुनिया, पिताजी का नाम छत्तर सिंह पुनिया, मेरी शादी 2017 में तन्विका पुत्री कुलबीर चहल पुत्र रामपाल चहल अलेवा के साथ हुई थी। उसके बाद मुझे पता चला उसका करैक्टर वो करैक्टरलेस थी, चरित्रहीन थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे बार बार प्रेशर बना रहे थे कि तुम इसको रखो, मैं मना कर रहा था। फिर उन्होंने हमने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद पंचायत हुई, पंचायत में कहते हैं
कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों को बारे में सोचो, जो हो गया कोई बात नहीं। फिर उस पंचायत के दौरान प्रकाश चहल, दलबीर चहल की थाना और कुलबीर चहल ने हम मेरे पिताजी के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी और हमारी बेइज्जती करी, जूठा आरोप लगाया मेरे पिताजी के ऊपर। कब हुई थी आपकी, कब, कौन से समय में? 2017 में। अब सुसाइड क्यों किया गया, क्या सुसाइड? अब उन्होंने बार बार मेरे पिता को पे जूठे आरोप लगा के बेइज्जत कर रहे थे। मेरे पिताजी एक बहुत सामाजिक आदमी हैं और गौशालाओं में दान भी देते रहते हैं, और उसके बाद हमें जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने आगे कि ये तुम्हारे खिलाफ मैं जूठी कंप्लेंट करवाई मेरे पिताजी के खिलाफ 306 जाएगी। आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ जी मुझे न्याय मिले, मेरे मुझे।